नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का जो महापर्व था उसके सातों चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अब जनता को इंतजार है। भारत की जनता को अगर इंतजार है तो वो सिर्फ इंतजार है 4 जून का, क्योंकि 4 जून को मतगणना होगी और पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन एग्जिट पोल जब निकलकर सामने आए नेक्स्ट नाइन न्यूज के, तो उन्होंने सभी को चौंका दिया, जिसमें मैं आपको बता दूं 250 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 280 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन बात अगर स्पेशली उत्तर प्रदेश की करी जाए तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सीट आ जाती है नगीना, जिस पर सभी ने अपनी निगाहें टकटकी की तरह लगाकर सब लोग बैठे थे। अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी दर्ज होगी। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम न्यूज का जब सर्वे हम लोगों ने जाकर करा और जब जनता से बातचीत करी, उसमें जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया सीट का, उसमें भारी बहुमत के साथ चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ओम कुमार और बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं सुरेंद्र पाल, उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस पूरे मामले पर हमने एक वीडियो कल भी बनाया था, दर्शकों के तमाम सारे कमेंट आए थे। दर्शकों ने कहा कि इस तरह की जानकारी और जिस तरह का जो समीकरण है इस पर और जानकारी हमारे साथ साझा करें। तब हमने जाकर नगीना सीट पर और जानकारी आप लोगों के पास हम लेकर आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माही, माही से कुछ सवाल करेंगे। माही, यहाँ पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदला था 2019 में, बीएसपी के कैंडिडेट गिरीश चंद्र जी जो थे उन्होंने जीत दर्ज करी थी भारी बहुमत के साथ, उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया, सुरेंद्र पाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा और एग्जिट पोल में चंद्रशेखर आजाद की भारी बहुमत के साथ नगीना सीट से जीत दर्ज नजर आ रही है, तो क्या मायावती अपनी गलती की वजह से इस सीट से हारती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं नगीना सीट पर परचम लहराते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती का कहीं ना कहीं फैक्टर रहा है। आप देखेंगे तनुज, जिस तरीके से मायावती की पहली सीट रही है जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां पर वो चुनाव जीती भी, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर आजाद, सबसे दिलचस्प बात आप क्या देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी राजनीति की शुरुआत उसी से कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वहां पर चाहे जिसका समीकरण बने, चाहे आजाद का बने चाहे मायावती को, अगर ये दोनों साथ में होते तो कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने में पूरी एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अगर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है तो कहीं ना कहीं ये बेहद दोनों पार्टी खुले आजाद हो मायावती हो दोनों के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। लेकिन अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप एग्जिट पोल की बात कर लीजिए उसके हिसाब से यही आंकड़ा निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं मायावती और आजाद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि नगीना सीट दोनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आजाद के लिए है और मायावती के लिए भी उतनी है। तो ऐसे में जी बिल्कुल माही, जैसा आप बोल रही महत्वपूर्ण है। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की जब शुरुआत करी थी तो पहला चुनाव नगीना लोकसभा सीट से ही लड़ा था, और वही बात अगर करी जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां से चुनाव लड़ा। दोनों की देखिए विजन दोनों का एक है, क्या भविष्य में दोनों चुनाव परिणाम जैसे 4 जून को आ जाएंगे, क्या उसके बाद कभी एक साथ इन दोनों को देखा जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें कोई दोरा नहीं है, जैसा कि अभी अगर आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचे वहां पर कुशीनगर में चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल भी पहुंची, तो वहां पर अगर ये आंकड़ा देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीएसपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन ऐसी आई और दोनों को अलग होना पड़ा, 9 मई को उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अब ऐसे में ये अगर बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीएसपी में शामिल हो जाते हैं या आजाद शामिल हो जाते हैं तो मायावती की टीम खड़ी होती हुई नजर आ रही है, और वो भी जो दलित के लिए काम करते हैं, पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद है, तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उनको समर्थन देंगे तो हो सकता है आजाद भी जाएं, क्योंकि आकाश आनंद और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की देखेंगे अनबन चल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आजाद की एंट्री होगी। हो सकता है कि कोई मीडिएटर बने और जिसके बाद उनको समझा बुझा कर उनकी पार्टी में एंट्री दिलवा सकते हैं। अच्छा, समझाने की जरूरत यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के लिए है या फिर मायावती के लिए? देखिए मायावती को मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मायावती को अब अपनी पार्टी का जो एक वर्चस्व है जनाधार बढ़ाने के लिए आजाद को साथ लेना कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों का विजन और लगातार चंद्रशेखर आजाद की जो बढ़ती पॉपुलरिटी है कहीं ना कहीं मायावती उसका इस्तेमाल कर सकती है, और दोनों का जो विजन आपने बताया कि विजन भी सेम है, तो अगर ऐसे में दोनों साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती विधानसभा चुनाव में बेहद अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है। जी
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मनोज कुमार जी भी देखिए चुनावी मैदान में थे, लेकिन एग्जिट पोल में और जब हमने जनता से बातचीत करी तो वहाँ पर किसी की भी जुबान पर यहाँ पर मनोज कुमार का नाम नहीं था। नाम सिर्फ एक था, वो था चंद्रशेखर आजाद का। और थोड़ा बहुत जो ढोल बस्ता दिखाई दे रहा है वो मुझे मायावती की पार्टी BSP का दिखाई दे रहा है। BJP और समाजवादी पार्टी दोनों का ही यहाँ पे वर्चस्व बिल्कुल खत्म दिखाई दे रहा है। क्या कारण मैं इसका मान लू, क्या ये कारण है कि नगीना सीट पर दलितों की संख्या ज्यादा है या फिर काम सबसे बड़ा फैक्टर है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में नहीं है इस समय मौजूद में, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जनता वाकई में नाराज है या फिर दलितों की संख्या वहाँ पर ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? देखिए दलितों का, जैसा आपने पहले बताया मैंने कि मायावती वहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ी है, तो कहीं ना कहीं दलितों का फैक्टर तो देखने को मिलता है। और मायावती का दलितों के लिए अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मायावती ने जितना काम दलितों के लिए किया है मुझे नहीं लगता किसी और नेता ने किया होगा। दूसरी बात, आपने बोला कि किस चीज का फैक्टर है चंद्रशेखर आजाद, कहीं ना कहीं नगीना में युवा बहुत ज्यादा है और चंद्रशेखर आजाद भी युवा है। लगातार अपने वादों से, अपने जो उनका मैनिफेस्टो, उससे कहीं ना कहीं जनता को अट्रैक्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कुछ दिन पहले बोला था कि अगर आप मुझे संसद तक पहुंचाते हैं तो मैं आपकी आवाज बनूंगा। ऐसे में कोई जनता उनको कैसे वोट देते हुए नहीं नजर आएगी? तनुज, जैसा आपने बोला कि आप मुझे वोट देंगे, मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं संसद तक जाऊंगा, वो सपना तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद का पूरा होता नजर आ रहा है। मात्र देखिए आज और कल का दिन शेष है और परसों यानी कि सुबह 6 बजे से हम लोग शुरू हो जाएंगे और जितनी भी सभी सीटें होंगी सब पर हमारी नजर है और परसों परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आखिरी सवाल यहाँ आपसे लेना चाहूंगा, और सवाल नगीना सीट को लेकर नहीं है, सवाल परसों के समीकरण को लेकर है। क्या स्थिति आपको परसों की दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरी जनता उत्साहित बैठी है इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में तीसरी बार है कि गद्दी को हासिल करना है नहीं करना है। क्या स्थिति यहाँ पर BJP की दिखाई दे रही है? और इंडिया गठबंधन के पास भी एक तरह से मैं देखूं तो एक आखिरी मौका मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी दल के नेता एक साथ यहाँ पर देखने को मिले इंडिया गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है 400 पार का नारा, तो वही नेक्स्ट टाइम न्यूज का जो सर्वे कह रहा है वो कह रहा है सिर्फ मात्र 250 पर भारतीय जनता पार्टी और NDA से बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं इस बार तनुज इंडिया गठबंधन बेहद प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया था, मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सीटों में उनको कमी देखने को मिल सकती है, और वो जो कमी होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में जाते हुए, उनके पाले में जाते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं बराबरी के उस पे स्तर पर दिखाई दे रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, खैर देखते हैं कि आखिरकार अब नगीना सीट से किसकी जीत दर्ज होती है और हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। बात अब नगीना सीट की देखिए स्पेशली इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती है। दलितों की तरफ से देखा जाए तो दलित वोट बहुत ज्यादा है, और देखा जाए तो BSP पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है, आजाद समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है, BJP के लिए महत्वपूर्ण सीट है, समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है। खैर आपको क्या कुछ लगता है नगीना सीट से किसकी जीत दर्ज होने वाली है और हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।